थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इतना सब कुछ होगा और आप सब लोग होंगे। आई थिंक मे भी सारे फेस जाने पहचान है आपको, आपको सबको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच राकेश जी। एंड इट्स माय आपका नाम सना सिल्वियो आपका एक्चुअली महक जी, आज बहुत अच्छा दिन है, आपका जन्मदिन है, साथ ही शिक्षक दिवस भी है, और आज आप यहाँ वृद्धाश्रम में माताओं को भोजन कराने आई हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? सबसे पहले तो पूरे भारतवासियों को मैं टीचर्स डे की बधाई देना चाहती हूँ। आज मेरा बर्थडे भी है और टीचर्स डे भी है, एंड आई एम सो हैप्पी कि आज के दिन मैं पैदा हुई थी। सो दैट्स वाई पीपल आर कॉल मी टीचर एक्चुअली। एनीवे सबसे पहले मैं थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहूँगी राकेश जी हमारे, इट्स माय और प्लेजर। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, इतना सोचा नहीं था मैंने। इनके पैर में भी लगी हुई है फिर भी ये हमारे साथ में मौजूद है, सो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। एंड सबसे पहले सेकंड थैंक यू जो साथ में हमारी एक्ट्रेस सना है एंड और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और आप लोग हैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों ने किया। एंड यहाँ की जो माताएं हैं, यहाँ की जो सिस्टर हैं इस आश्रम की, तो मैं सबसे मिली और मिल के बहुत अच्छा लगा, और सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, सो हैप्पी। क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि हमने भी देखा आपके साथ, हमने भी यहाँ देखा कि विद्या आश्रम में जो बहुत बुजुर्ग महिलाएं हैं यहाँ, और कुछ जो है लड़के अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, जी कुछ तो यूं ही इन्होंने हमने पूछा था तो सड़क से इन्होंने कहीं से लिया है, तो ऐसा क्या कारण है कि जो लड़के लोग अपने माता पिता जी को ऐसी स्थिति में जहाँ उनको संभालना चाहिए और वहाँ संभालते नहीं है, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे ऐसे लोग लड़कों? सबसे पहले तो बहुत बड़ी दुख की बात है ये कि माँ बाप जन्म देते हैं बच्चे को, एक माँ 9 महीने एक बच्चे को पेट में रखती है, उसके बाद उसको बड़ा करती है, और उसके बाद उसी माँ को अगर इस तरीके से इस हालत में छोड़ दिया जाए, तो ऐसे बच्चों पर हमें शर्म आनी चाहिए। और आई थिंक फिर वो बच्चे कहलाने लायक नहीं है, वो सेल्फिशनेस हो जाती है। और मैं यही कहना चाहूँगी सभी देशवासियों से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कोशिश करें, जो माँ आपको इतनी तकलीफ़ों से पालती है, बड़ा करती है माँ बाप को, और उन्हीं को आप इस दिन को दिखाते हैं, इस दिन दिखाने के लिए छोड़ देते हैं, सो मेरी उनसे हम्बल विनती है कि ऐसा ना करें और वो तकलीफ ना दें अपने माँ बापों को। मैं भी, सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सेल्फिशनेस सबसे बड़ी जो कि नहीं होनी चाहिए, सो राकेश जी आपसे भी जानना चाहेंगे, हमने आपकी संस्था को देखा है, बहुत ही सामाजिक काम करती, कैसे कुछ हुआ एक साथ एक गठबंधन हुआ महक जी का और आप जी आपका, और यहाँ एक सामाजिक काम के लिए एक साथ आए हुए, कुछ बोलना चाहेंगे? भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन है जिसको दोस्ती का गठबंधन बोलते हैं, इससे बड़ा गठबंधन मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में, अगर ये सच्ची दोस्ती हो तो इससे बड़ा गठबंधन कुछ भी हो सकता है पूरे ये में। और महक जी के लिए तो मैं पूरे मुंबई में सिर्फ एक आदमी के लिए ये लाइन बार बार दोहराता हूँ कि कुछ रिश्ता इस जन्म का, कुछ रिश्ता उस जन्म का, कुछ रिश्ता इस जन्म का, कुछ रिश्ता उस जन्म का, कुछ रिश्ता 7 जन्मों का होता है, प्यार मोहब्बत दुनियादारी अपने पराए से जो है ऊपर, वही रिश्ता मेरा और महक जी का कहलाता है। तो हम लोग हैं, हम लोग अभी मिलके इतिहास रचेंगे, ये तो बस एक शुरुआत है, और ये हमारी दोस्ती की मिसाल बनेगी पूरे विश्व में, हम लोगों का दोस्ती की मिसाल, और वो इतिहास को याद रखा जाएगा। थैंक यू। सना जी आप भी यहाँ उपस्थित हैं, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? और आपने यहाँ देखा बुजुर्ग महिलाएं हैं, माताएं हैं, क्या कुछ सेवा? राकेश जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सना, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, मुझे काफी अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर, लाइक होता है ना बिल्कुल सुकून होना, वो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। थैंक यू।